हेलो दोस्तों, मैं मोहनीश आर्यन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप सभी से असाइनमेंट सबमिशन के बारे में बातें करूंगा। दोस्तों, वैसे छात्र जिन्होंने जनवरी 2020 में अपना एडमिशन लिया है या फिर अपना री रजिस्ट्रेशन किया है, तो वैसे छात्र अभी इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि आखिर उनके असाइनमेंट जो है कैसे सबमिट होंगे, ऑनलाइन फॉर्म में सबमिट होंगे या फिर ऑफलाइन फॉर्म में सबमिट होंगे। वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट जो हर साल इग्नू की ऑफिशियल होती है 30 सितंबर, वो तो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, क्योंकि अभी तक इग्नू ने कोई भी ऑफिशियल गाइडलाइंस जारी नहीं किया है। इग्नू ने अभी तक कुछ नहीं कहा है कि आखिर ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट होंगे या फिर ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट होंगे। तो ये सारी जो बातें हैं अभी आप लोगों के, मतलब जो भी बच्चे जनवरी 2020 में एडमिशन ले रखे हैं या री रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं, तो ये सारी बातों को लेकर चिंतित हैं। तो अभी मैं ये प्रयास करूंगा कि आप सभी के इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अपने असाइनमेंट कैसे और किस तरह से और कहाँ पे सबमिट करने हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों, कि हर साल हर वर्ष जुलाई सेशन के ईयरली स्टूडेंट के असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट 31 मार्च होती है इग्नू में, और हर साल जनवरी सेशन के ईयरली स्टूडेंट के असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट 30 सितंबर होती है, और हर वर्ष इस डेट को एक्सटेंड किया जाता है, मतलब बढ़ाया जाता है 15 दिन 20 दिन, कभी कदाल एक महीना भी बढ़ाया जाता है। दोस्तों, हर वर्ष असाइनमेंट 30 मार्च तक जुलाई सेशन के स्टूडेंट सबमिट कर देते थे लगभग, और जनवरी सेशन के स्टूडेंट लगभग 30 सितंबर तक अपने असाइनमेंट सबमिट कर देते थे, क्योंकि हर वर्ष इस COVID-19 का कोई कंडीशन नहीं होता था, मतलब ये जो COVID-19 का सिचुएशन है अभी, ऐसा कोई भी सिचुएशन पहले नहीं था। पहले जो है हर स्टूडेंट जो कि ODL मोड में इग्नू में एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन करवाते थे, सबसे पहले तो एडमिशन फिर बाद में री रजिस्ट्रेशन करवाते थे, तो वे लोग अपने अपने स्टडी सेंटर पर जाकर के ऑफलाइन मोड में अपने अपने असाइनमेंट सबमिट कर देते थे। लेकिन दोस्तों, इस बार COVID-19 के सिचुएशन की वजह से, COVID-19 कंडीशन की वजह से जुलाई सेशन के स्टूडेंट के असाइनमेंट जो है ऑनलाइन सबमिट हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और आप लोग ये बात जानते भी होंगे। और कुछ ऐसे भी स्टडी सेंटर थे जिन्होंने जुलाई 2020 सेशन के स्टूडेंट के भी असाइनमेंट ऑफलाइन मोड में लिए हैं। तो ये सारी जो बातें थी दोस्तों जुलाई सेशन के स्टूडेंट के लिए थी, लेकिन अब मैं आप लोगों को जनवरी 2020 या कह सकते हैं जनवरी सेशन के स्टूडेंट के असाइनमेंट सबमिशन के बारे में बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, जुलाई 2020 सेशन के स्टूडेंट के लिए इग्नू ने असाइनमेंट गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट होंगे, लेकिन जनवरी जो सेशन है, जनवरी सेशन के स्टूडेंट, जनवरी 2020 सेशन के स्टूडेंट के लिए अब तक, आज 18 सितंबर हो गया है, आज तक कोई भी असाइनमेंट गाइडलाइंस इग्नू ने जारी नहीं किया है। तो बच्चे अभी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग 30 सितंबर तक सारे कॉलेजेज स्कूल्स बंद रहेंगे। और दोस्तों, सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि आखिर उनके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट 30 सितंबर है, और कॉलेजेज भी जो है 30 सितंबर तक बंद रहेंगे इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार। तो बच्चे और कह सकते हैं कि स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि आखिर 30 सितंबर तक कॉलेज बंद रहेंगे, तो उनके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट तो खत्म हो जाएगी, तो फिर वे अपने असाइनमेंट कैसे सबमिट करेंगे। तो मैं अभी इसी प्रश्न के उत्तर को देने की कोशिश करूंगा कि वे अपने असाइनमेंट कैसे सबमिट करेंगे, या फिर जनवरी 2020 सेशन के स्टूडेंट किस तरह से अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में ये बात कही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 21 सितंबर को एक SOP जारी करेगी, जिसके बाद क्लास 9th टू 12th के स्टूडेंट अपने पेरेंट्स की अनुमति से स्कूल जा सकेंगे टीचर्स के गाइडेंस को लेने के लिए, मतलब टीचर्स के गाइडेंस लेने के लिए, और फिर कॉलेजेज के स्टूडेंट भी अपने पेरेंट्स की अनुमति से कॉलेज जा सकेंगे। और फिर ये भी कहा गया था कि जो ITIs हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इन सभी को खोल दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि 21 सितंबर के बाद आप लोगों के स्टडी सेंटर लगभग चांसेस हैं कि आप लोगों के स्टडी सेंटर खुल जाएंगे, और तब आप लोग जो है अपने अपने असाइनमेंट ऑफलाइन मोड में अपने अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अभी जो है असाइनमेंट सबमिट बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी भी असाइनमेंट बच्चों के सबमिट हो रहे हैं। और वो कैसे हो रहे हैं, मैं अभी उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, वास्तव में असाइनमेंट जो है
ऑफलाइन मोड में बहुत सारे स्टडी सेंटर पर अभी भी सबमिट हो रहे हैं। बहुत सारे स्टडी सेंटर सप्ताह में एक दो दिन या तीन दिन, एक दो या तीन घंटे के लिए खुलते हैं ताकि बच्चे आकर के अपने अपने असाइनमेंट सबमिट कर सके। तो अब आप लोगों को करना यह है कि आपको अपने स्टडी सेंटर के बारे में पता करना है कि आपके स्टडी सेंटर खुल रहे हैं या नहीं। अगर खुल रहे हैं तो असाइनमेंट सबमिशन हो रही है या नहीं। तो अब आप लोग जैसे ही इतनी सारी बातों को पता कर लेंगे, इतनी सारी बातों के बारे में जान लेंगे, तो आप लोग आसानी से अपने अपने स्टडी सेंटर पे विजिट करके अपने अपने असाइनमेंट ऑफलाइन मोड में सबमिट कर पाएंगे। और अगर आप लोग 21 तारीख से पहले ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है कि 21 तारीख के बाद, मतलब 21 सितंबर के बाद, आप लोग डायरेक्टली, मतलब बिना किसी समस्या के ही स्टडी सेंटर पे जाकर के अपने अपने असाइनमेंट सबमिट कर पाएंगे। अब इतनी सारी बातें तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से ऑफलाइन मोड में असाइनमेंट सबमिट करने हैं। अब रही बात ऑनलाइन मोड की, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक ऑनलाइन मोड के लिए कोई भी गाइडलाइंस इग्नू की ओर से ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया है। लेकिन केवल और केवल एक रीजनल सेंटर ऐसा है जिन्होंने ऑनलाइन मोड में असाइनमेंट सबमिशन के लिए एक लिंक जारी किया है और उस लिंक के माध्यम से बच्चों को असाइनमेंट सबमिट करने हैं। लेकिन उस लिंक में भी गड़बड़ी आ रही है, उस लिंक में भी कमी है। सबसे पहले तो मैं आपको उस रीजनल सेंटर का नाम बता देता हूँ जिस रीजनल सेंटर ने अपने असाइनमेंट ऑनलाइन मोड में लेने का फैसला लिया है। तो उस रीजनल सेंटर का नाम है रीजनल सेंटर दिल्ली 3। रीजनल सेंटर दिल्ली 3 एकमात्र ऐसा रीजनल सेंटर है जिन्होंने बच्चों के लिए ऑनलाइन मोड में असाइनमेंट सबमिशन के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। चलिए मैं आप लोगों को रीजनल सेंटर 3 की वेबसाइट पर लिए चलता हूँ और मैं आप लोगों को वो गाइडलाइंस दिखा देता हूँ। तो ये जो गाइडलाइंस है दोस्तों 18 सितंबर को जारी किया गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को गाइडलाइंस समझा देता हूँ। तो दोस्तों रीजनल सेंटर दिल्ली 3 ने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जारी किए हैं ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन के लिए, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि असाइनमेंट जो है बच्चों के वो डायरेक्टली ईमेल आईडी पे सबमिट होंगे और वो ईमेल आईडी जो है हर स्टडी सेंटर द्वारा अपना खुद का जारी किया जाएगा और हर स्टडी सेंटर के बच्चे अपने अपने स्टडी सेंटर के ईमेल पर ही अपने अपने असाइनमेंट ऑनलाइन मोड में सबमिट कर सकेंगे। पहली बात तो ये है, पहला इन्फॉर्मेशन ये दिया गया है। दूसरा ये है कि बच्चों को केवल और केवल उसी ईमेल में अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं जो कि उनके स्टडी सेंटर द्वारा जारी की गई है। ऐसा नहीं है कि किसी भी ईमेल में असाइनमेंट सबमिट कर देना है या किसी दूसरे स्टडी सेंटर के ईमेल पे अपना असाइनमेंट सबमिट कर देना है। अब जो तीसरा इन्फॉर्मेशन है वो ये दिया गया है कि लर्नर को अपने हैंड रिटेन सॉल्व असाइनमेंट की स्कैन कॉपी और साथ में जो आई कार्ड है और साथ में जो क्वेश्चन है, इन सभी को एक फॉर्मेट में सजा करके सबमिट करना है। मतलब सबसे पहले फ्रंट पेज होगा, फिर उसके बाद आई कार्ड होगा, फिर उसके बाद असाइनमेंट क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद हैंड रिटन सॉल्व असाइनमेंट होगा। इन सभी की स्कैन कॉपी को एक साथ सम्मिलित करके लर्नर्स को स्टडी सेंटर द्वारा, मतलब उसके रेस्पेक्टिव स्टडी सेंटर द्वारा प्रोवाइड कराए गए ईमेल में सबमिट करना है। चौथा जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि किसी भी असाइनमेंट फाइल जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे उसके नाम को इस तरह से लिखना है। सबसे पहले तो इनरोलमेंट नंबर, उसके बाद कोर्स कोड लिखना है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले है इनरोलमेंट नंबर, उसके बाद है MS01 कोर्स कोड। अब पांचवा इन्फॉर्मेशन ये है कि बच्चे जो अपने फ्रंट पेज लगाएंगे उनमें इन सभी बातों को मेंशन करना जरूरी होगा। इनरोलमेंट नंबर, नेम, प्रोग्राम, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर नेम और कोड, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये जो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सभी नेसेसरी पॉइंट्स को फ्रंट पेज में मेंशन करना होगा। अब नीचे चलते हैं, देख लेते हैं कि अगला इंफॉर्मेशन कौन सा दिया गया है। अगला इंफॉर्मेशन ये दिया गया है कि अगर स्टूडेंट के या लर्नर के असाइनमेंट में किसी भी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी, मतलब किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो फिर असाइनमेंट को लर्नर को रिटर्न कर दिया जाएगा ताकि लर्नर जो है उसको करेक्ट कर पाए और फिर रीसबमिट कर पाए। अब सातवां इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी बच्चे के पास A4 राइटिंग पेपर अवेलेबल नहीं है असाइनमेंट लिखने के लिए, तो लर्नर जो है, बच्चा जो है, किसी भी प्रकार के राइटेबल पेपर का यूज कर सकता है ताकि राइटेबल पेपर का यूज करके वो अपने असाइनमेंट को कम्प्लीट कर पाए। अब आठवां जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की ओर से, उसमें ये कहा गया है कि बच्चे जब भी ईमेल से अपने असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो वही उसकी सबमिशन रिसिप्ट होगी रीजनल सेंटर की ओर से या फिर स्टडी सेंटर की ओर से, कोई भी सेपरेट रिसिप्ट प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। अब नौवां गाइडलाइंस है कि अगर बच्चे चाहें तो कोर्स वाइज, मतलब एक एक असाइनमेंट को एक एक करके
सिंगल सिंगल सबमिट कर सकते हैं, और या फिर अगर वो चाहें तो एक साथ ही सारे असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं अगर उसके असाइनमेंट की पीडीएफ फाइल साइज जो है 25 MB से कम हो तो। अगर 25 MB से ज़्यादा की पीडीएफ फाइल साइज हो जाती है तो वे अपने असाइनमेंट जो है अलग अलग करके सबमिट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 10वां इन्फॉर्मेशन ये है कि कोई भी बच्चा अगर चाहे तो अपने असाइनमेंट को गूगल ड्राइव के थ्रू भी सबमिट कर सकता है। और 11वां इन्फॉर्मेशन ये दिया गया है कि जो हार्ड कॉपी है असाइनमेंट की, उस हार्ड कॉपी को लर्नर्स को स्वयं के पास रखना है, खुद के पास रखना है, ताकि इन फ्यूचर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिए हार्ड कॉपी जो है एक प्रूफ के तौर पर काम आएगी। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी दिखा देता हूँ ईच रीजनल सेंटर की, मतलब प्रत्येक रीजनल सेंटर की जो ईमेल आईडी है वो जो उन्होंने जारी की है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो लिस्ट है रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की है, इसमें हर स्टडी सेंटर ने अपनी अपनी ईमेल आईडी जारी की है और अपने अपने गाइडलाइंस लिखे हैं। तो आप लोग जो है अपने अपने स्टडी सेंटर को इस लिस्ट से खोज लेना और फिर आप लोग अपने अपने कॉन्टैक्ट ईमेल में अपने अपने असाइनमेंट सबमिट कर देना। मैं ये वाला जो पीडीएफ है इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लेना और फिर आप लोग अपने अपने रेस्पेक्टिव सेंटर पे, रेस्पेक्टिव स्टडी सेंटर पे अपने अपने असाइनमेंट सबमिट कर देना। तो अब आप लोग ऑनलाइन मोड में जहां पर असाइनमेंट सबमिशन हो रहा है ये बात भी जान गए होंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि केवल और केवल दिल्ली 3 ऐसा रीजनल सेंटर है जहां पर अभी ऑनलाइन मोड में असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं, और बाकी किसी भी जगह पर किसी भी रीजनल सेंटर या किसी भी स्टडी सेंटर पर ऑनलाइन मोड में असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रहा है। हालांकि ऑफलाइन मोड में किसी किसी स्टडी सेंटर पर असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं, और कैसे हो रहे हैं तो 2-3 घंटे के लिए सप्ताह में 2 या 3 दिन स्टडी सेंटर खुल रहे हैं ताकि बच्चे अपने अपने असाइनमेंट सबमिट कर सके। और अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं केवल अंतिम में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने असाइनमेंट ऑफलाइन मोड में सबमिट करने की कोशिश करें ताकि आप लोगों को फ्यूचर में दिक्कत ना हो, क्योंकि ऑनलाइन मोड में जो असाइनमेंट सबमिशन हुए हैं जुलाई सेशन में, मतलब पिछले सेशन में, उसमें काफ़ी सारी त्रुटियां देखने को मिली है। सबसे पहली त्रुटि तो ये है कि बच्चों ने मतलब टोटल असाइनमेंट सबमिट किए हैं बट उनके सारे असाइनमेंट अपडेट ही नहीं हुए हैं, या फिर किन्हीं किन्हीं का ये कंडीशन है कि एक भी असाइनमेंट स्टेटस अपडेट हुआ ही नहीं है, या फिर ऐसा भी कंडीशन आया है कि किन्हीं किन्हीं बच्चे के असाइनमेंट तो सबमिट ही नहीं हुए हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हर संभव ये प्रयास करें कि आप लोग अपने अपने असाइनमेंट ऑफलाइन मोड में सबमिट करें। सबसे पहले अपने स्टडी सेंटर के बारे में पता कर लें कि वहां पर आपके स्टडी सेंटर खुले हैं या नहीं, अगर खुले हैं तो वहां असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं या नहीं, और अगर सबमिट हो रहे हैं तो आप लोग हर संभव ये प्रयास करें कि ऑफलाइन मोड में ही अपने अपने असाइनमेंट सबमिट करें। अब इस वीडियो सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की सारी क्वेरी समाप्त हो गई होगी, आप लोगों की जो समस्याएं थी उन सभी समस्याओं के समाधान हो गए होंगे।